हेलो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को, मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर टिक्का पिज़्ज़ा। सबको पसंद होता है, तो जल्दी से शुरुआत करते हैं इसकी। तो सोच रही हूँ मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, तो चलिए डो बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है एक बाउल और उसमें हमने डाला है मैदा। तो एक कटोरी भर के मैंने मैदा इसमें डाला है। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी बेकिंग सोडा, काला नमक, सफ़ेद नमक की जगह काला नमक, और शक्कर, थोड़ा सा दही भी इसके साथ। और अब हम इसे अच्छे से गूंदेंगे। तो दही में जो रह गया था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के दही की कटोरी एकदम साफ़ कर ली है। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा तेल, और इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छा सा एक शेप देंगे और इसका एक अच्छा सा डो बना लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसका अच्छा सा एक डो बना लिया है। इसको हम रख देंगे थोड़ी देर, तकरीबन 10 मिनट तक, जिससे कि ये फूल जाएगा। तो ये देखिए इसका ये कैसा हो जाता है टेक्सचर। तो इसको थोड़ी देर अगर हम रख देंगे ना, तो ये थोड़ा सा फूल जाएगा। तो इसको हमने तकरीबन 5 मिनट के लिए रख दिया है। जब तक ये फूलेगा, तब तक हम थोड़ी सी सब्ज़ियाँ काट लें हमारे पनीर टिक्का के लिए। तो पनीर टिक्का के लिए मैंने ये ली है शिमला मिर्च। इसको मैंने इक्वल साइज़ में काट लिया है। तो शिमला मिर्च भी कट गई है। थोड़ी सी ली है मैंने प्याज, जिसकी मैंने आउटर कवरिंग ली है, जो बड़ी होती हैं, छोटी मैंने किसी और चीज़ को बनाने के लिए रख ली है। तो इसकी आउटर कवरिंग को हम अलग अलग कर लेंगे। और लास्ट में लिया है मैंने ये पनीर। तो पनीर को मैंने क्यूब के रूप में काट लिया है। तो इक्वल साइज़ में मैंने काटे हैं सारे, एक बीच में कट लगा के उसको सारे इक्वल साइज़ में हमने काट दिए हैं। तो ये पनीर भी हमारा बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसका थोड़ा सा मिक्सचर बनाएंगे, और हम लेंगे एक बाउल। बाउल में मैंने ली है शिमला मिर्च, प्याज और कटे हुए टमाटर। तो मैंने बड़े बड़ी चीज़ें ही काटी हुई हैं। और इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है पनीर। इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे हम, जैसे कि हमने डाली है इसमें पिसी हुई मिर्च का पेस्ट और दही। दही मैंने कम से कम 2 से 3 चम्मच डाला है। और इसके ऊपर डाला है मैंने बेसन, थोड़ा सा डाला है मैंने इसमें हल्दी कलर के लिए, और इसमें डाली है मैंने काली मिर्च और एक चाट मसाला। और इसके बाद डाला है मैंने इसमें काला नमक, और थोड़ी सी कसूरी मेथी को मैंने हाथ से क्रश करके इसमें डाल दिया है। कसूरी मेथी का तो अपना ही अलग ही फ्लेवर होता है। तो अब हम इसको मिक्स करेंगे। तो धीरे धीरे हल्के हाथों से हम इसको मिक्स करेंगे, वरना इसके जो पनीर के पीसेज हैं वो टूट जाएंगे। तो अब हमने इसको मिक्स कर लिया है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल, बाइंडिंग के लिए डालेंगे। और इसके बाद हमने इसको एक बार और मिक्स कर लिया है। अब हम एक लेंगे फ्राई पैन। फ्राई पैन में हमने हल्का सा ऑयल डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है, क्योंकि हमने पनीर टिक्के में पहले ही डाल दिया था थोड़ा सा ऑयल। इसके बाद हम इसे थोड़ी देर भून लेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना हमें, और थोड़ा सा ही चला लेना है हमें इसे। ये देखिए, ये पक चुका है दोनों तरफ से। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से पकाया है। तो अब हमारा जो डो था वो बिल्कुल थोड़ा सा फ्लफ़ी हो गया है। तो मैंने बेस पे डाला है थोड़ा सा मैदा, जिससे कि ये चिपकेगा नहीं, और इसको हाथ ही से मैंने बढ़ाया है थोड़ी देर। उसके बाद मैंने इसको बेल लिया। इसके साइड्स जो हैं वो आप ज़्यादा बेलेंगे, इसको पतला करेंगे साइड से। और उसके बाद मैंने ओवन में ये लगा दिया है, थोड़ा सा हल्का सा नीचे से ऑयल लगा कर मैंने इसको ओवन की प्लेट में लगा दिया है। और इसके बाद हम इसको फोक से करेंगे पंचर, लाइक दिस। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही हम इसको पंचर करेंगे हर तरफ से, जिससे कि इसमें एयर जाए, वो भी गर्म वाली, हीट वाली। तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये चटनी। ये सॉस कहलाता है, ये पिज़्ज़ा सॉस है, बाज़ार में आसानी से आपको अवेलेबल है। तो इसको हमने पूरे पिज़्ज़ा बेस पे अच्छे से हमने लगा दिया है। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे चीज़। तो आप इसमें दिल खोल के चीज़ डाल सकते हैं, जितना मन आए चीज़ आप डाल सकते हैं, लेकिन हेल्थ के अनुसार डालेंगे, क्योंकि हद से ज़्यादा तो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है। इसके बाद जो मैंने पनीर टिक्का बनाया था, उसके तीनों चारों पीस मिला के हम एक 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 जगह लगा लेंगे, अच्छे से लगा लेंगे। आपका मन हो तो आप पूरे पे भी बिछा सकते हैं, लेकिन मैंने इसको थोड़े थोड़े से डिस्टेंस पे लगाया है। ऊपर से मैंने इसमें कैप्सिकम डाली है, ये ऑप्शनल है, मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैंने ये डाली है। और कैप्सिकम के डालने के बाद मैं ऊपर से डालूँगी थोड़ा सा ऑर्गेनो। ऑर्गेनो मुझे बहुत पसंद है, मार्केट में ईज़िली अब तो अवेलेबल है ये।
तो ये मैंने 3 मिनट के लिए इसको ओवन में रखा था और ये देखिए ये बिल्कुल फूल चुका है, बहुत अच्छे से नीचे से इसका जो बेस होता है वो बहुत अच्छे से फूल चुका है और ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो खाने के लिए आप रेडी हैं, तो मिलते हैं किसी और नए अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, एंजॉय कीजिए लाइफ को।